डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो क्या बोलती मेरे देश की जनता, तुम सब ठीक ना? मैं आपका संवाददाता लाजी लायर कैमरामैन जीन के साथ आप देख रहे हैं बकचोदी की पार्ट साला। तो आज हम लोग बकचोदी करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3, जिसे होस्ट कर रहे हैं हमारे अनिल कपूर जी, और जो कंटेस्टेंट हैं ऑलमोस्ट सारे छपरी है यार, छपरी यूट्यूबर ही है यार, क्या बताऊं दोनों इन सब चीजों के बारे में। बस आज का ये वीडियो है बहुत दाजू होने वाला है, नंबर एक से रगड़ाई करेंगे सबकी, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर से, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बकचोदी पसंद आए थोड़ी बहुत तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहना, ठीक है। और सबसे ऑलमोस्ट बात यार, वीडियो देख कर जाना, चैनल लू आप लाइक करो या ना करो, बस वीडियो को पूरा वॉच करना। ओके, टेक केयर। तो शुरू करते हैं वीडियो लेकर बकचोद वाले बाबा का नाम। सबसे पहले अपने जो होस्ट है उनसे ही शुरू कर लेते हैं, अनिल कपूर जी से, क्योंकि इन्हें सुलेमान भाई की जगह रिप्लेसमेंट पे लाया गया। भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें इनके बारे में कि भाई भालू के शरीर पे इतने बाल नहीं आते हैं जितने शख्स के शरीर पे बाल आ जाते हैं, क्या बताऊं इस चीज को लेकर। तुम इस चीज से एग्जाम्पल लगो, अगर मान लो कि अगर अपन लोग बाल की कटिंग वगैरह कराने जाते हैं तो सैलून में 40,000-50,000 रुपए में काम हो जाता है यार अपन लोगों का। भाई इसके तो वैक्स करवाना पड़ता है, वो भी सरला आंटी से यार, पूरे वैक्स में कम से कम 1,00,000 रुपया खर्चा आता है। अपन लोग हफ्ते या 15 दिन में वैक्स करवाने के लिए जाते हैं, वैक्स तो खैर मैं करवाता नहीं, मर्द की पहचान है यार छाती के बाल दिखाना भाई, पर इनके शरीर पर कहां कहां से बाल आते हैं, और उसका खर्चा इतना आता है कि पूरा कपूर फैमिली कर्जे में चली गई, इसलिए बेचारों को ये मजबूरी में होस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या कि भाई ये समझ लो जिनके खुद के मसले सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो यार बिग बॉस के घर के मसले कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो इस चीज का मैटर समझ नहीं आ रहा। कहीं खुद का मैटर क्रिएट ना कर लें ये किसी अंदर छपरी यूट्यूबर के साथ, बस इनकी शान में इतना ही और कुछ नहीं। तो बुलाते हैं सबसे पहले अपने छपरी यूट्यूबर लव कटारिया को, जिसने भाई क्या बताऊं मतलब नाम में बेचारे के प्यार है, प्यार प्यार से देखो इसकी आंखों में, प्यार का भूखा है प्यार का। अरे कहां से लाए प्यार, यहां गांड फटी पड़ी है, तुम्हें प्यार की पड़ी है? तो भाई इन्होंने बिग बॉस में जाते ही खन अपने पापा का नाम दे दिया और उनके नाम पे वोट मांगने की कोशिश की, तो देखते हैं क्या कहा। भी कोई आर्मी है उसका कुछ नाम है? सर मेरी तो नहीं है, पर मेरे एक भाई हैं एलविश, उनकी आर्मी है एलविश आर्मी करके, मतलब फॉलोअर्स को कहते हैं अपनी एलविश आर्मी। भाई मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, इंडिया में सिर्फ एक ही आर्मी है, इंडियन आर्मी, और जिसे हम दिल से सलूट करते हैं, जिसकी बदौलत आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, और आज जिसकी बदौलत तुम ये बिग बॉस में जा पा रहे हो, समझे? मतलब एलविश आर्मी नहीं है वो, छपरी आर्मी है मेरे भाई, जिसके हाथ में स्टिंग और बाइक होती है छपरी वाली, KTM और रंग बिरंगे बाल करा के बनते हैं धूम 3 के ऋतिक रोशन। धूम 3 में ऋतिक रोशन का? अबे तो फिर इनकी आर्मी भी कौन सी है ये है? अब अपने नेक्स्ट जो छपरी यूट्यूबर हैं उनका नाम है अरमान मलिक। भाई आपने एक चीज तो देखी होगी कि एक के साथ एक तो फ्री होता है, पर यहाँ पर एक के साथ दो फ्री होते हैं, ठीक है, देखिएगा कैसे, क्योंकि बिग बॉस में ये जब जा रहे हैं ना तो भाई दूसरों का रंडी रोना देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ये अपनी भसूड़ी में भसड़ रहेंगे, ठीक है। और दूसरे अनिल कपूर जी बेचारे दूसरों का मैटर तो बाद में सुलझाएंगे, यहाँ ये पति पत्नी एक ही पति के चक्कर में आपस में लड़ रहेंगी, बिग बॉस तो ये बाद में खेलेंगी। समझ में नहीं आ रहा यार इस बार बिग बॉस को हो क्या गया जो ऐसे छपरियों को उठा उठा के लेके आ रही हैं। और भाई अरमान भाई मेरी एक और गुजारिश है, बामे बहुत खतरनाक लौंडे है, बचा के रख दियो अपनी दोनों बीवियों की सिक्योरिटी, घर पे छोड़ के आना था यार तुम्हें, रहने दो क्या समझाऊं यार। अब लोग आते हैं छपरी यूट्यूबर की तरफ, खैर छपरी तो इन्हें कह नहीं सकते, ये तो मेलो ड्रामा क्यून है भाई, मतलब बड़ा पाव गर्ल नाम तो सुना ही होगा आपने, खैर इनका नहीं सुना होगा तो वही कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। भाई बंदी ने जाते जाते खन बिग बॉस के अंदर हक दिया, देखते हैं क्या कहा। तो फिर मुझे चीला नसीब हो रहा है एक के नहीं पूरे दिन में, यही तो एक रह गया था बिग बॉस वालों को कि बिग बॉस के अंदर जाकर ये बड़ा पाव गल को भी लेकर आए हैं, जो बेचारे दूसरों की भसूड़ी में ये बड़ा पाव बेचे और वहीं बेच पर खाते आराम से बड़ा पाव खाते खाते हम ये देखे कि हाँ ये भसड़ में नेजी क्या कह रहा है, और बेचारी हमारी ये कानपुर देहात की क्या नाम था इसका, हाँ शिवानी कुमारी, इसकी भसड़ देखे, मतलब ये भाई बंदी कुछ नहीं, रहने दो यार, ये चंद्रलेखा नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई चंद्रयान टूट रहा हो, रहने दो। रज चाहिए क्या हो रज को? टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो।
अब जो अपनी लास्ट मेलो ड्रामा क्वीन है उनका नाम है शिवानी कुमारी, जिन्हें हम लोग क्या नाम होते मनीषा रानी से कंपेयर कर रहे हैं। भाई ये तो मनीषा रानी के 1% भी नहीं है। इंस्टाग्राम तक तो ठीक था यार, कि मतलब ये घाय हम चप्पल लेने जा रहे हैं, ये खान जा रहे हो, ठीक है यार, मतलब माला है कि कानपुर ध्यास से हो, ध्यास साइड से हो, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अपने गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया तक तो स्थित है, ठीक है, अच्छा है, पर एकदम इंटरनेशनल लेवल पे जाने, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ यार, मतलब इंडियन लेवल पे जाने, नेशनल लेवल पे जाने की सोचो, फिर इस टाइप की बकचोदी तो मजा नहीं आता है ना यार। माना कि ठीक है बिग बॉस में आई हूँ, बढ़िया, ऑल द बेस्ट, मैं भी उसी साइड का हूँ, ठीक है, तो मैं तो सपोर्ट करूंगा, पर यार और बेस्ट कर सकती हूँ, किसी को कॉपी मत करो, खुद का करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब अपने जो लास्ट बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार कौन कौन फाइनलिस्ट में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं तो बस सिर्फ दो ही लोगों को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहा हूँ, एक तो अपने नेजीदा बा और दूसरा अपना अगर हो सकता है तो यार लव कटारिया भाई, क्योंकि यार बंदा ठीक है, चलो अपने पापा के दम पे भूल रहा है तो क्या हुआ, फिर भी ठीक है, हैं। पर वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसकी होने वाली है वो मैं आपको पहले से रिवील कर देता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री रिवील होने वाली है राउंड टेबल के जैन सैफी की, जो रिवील होगी 22 तारीख को, 22 तारीख को उनकी एंट्री हो जाएगी, कन्फर्म है इस चीज़ को। तो वीडियो शेयर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलेगा, और लाइक कमेंट बकचोदी जो कुछ करना है कर दो, मैं जा रहा हूँ यार बिग बॉस देखने, कंटेंट तो चाहिए ना पूरे महीने का, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या वसूली चलती है। अरे जिनी चलना यार, तुम सो जाइए जाके अपने चिराग में, मैं बक्ता बकचोदी देखता हूँ बिग बॉस वालों, टेक केयर, बाय बाय। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।